नमस्कार दोस्तों, मैं विलास तुलकुड़े और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के लालबर्रा से। लालबर्रा बमनी में पुराने ही मेटों को यथावत रखने की मजदूरों ने की मांग। वहीं पंचायत में लगा ताला। लालबर्रा जनपद अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बमनी में 3 दिसंबर को स्थानीय मीडिया की टीम के द्वारा पंचायत में चल रहे मनरेगा मद से मेड़ बधान कार्य का मीडिया कवरेज किया गया, तो कार्य कर रहे मजदूरों ने मीडिया को बताया कि ग्राम के 2 से 3 लोगों के द्वारा पुराने जो मेट है उनको हटाने का दबाव बनाया जा रहा अपने निजी स्वार्थों के लिए, जिससे पंचायत के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही और पुराने मेटों से हमको किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं, इनको ना हटाए जाए। वही खेत मालिक ने कहा कि मेरे खेत में आज से कार्य प्रारंभ हुआ और 20 से 25 मजदूर मेरे खेत में कार्य कर रहे, कार्य ठीक हो रहा, पुराने जो मेट हैं उनसे कोई शिकायत नहीं। और भी देखिए उन्होंने क्या कहा इस रिपोर्ट में। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए लालबर्रा से लकीश पंचेश्वर के साथ शरद धानेश्वर की रिपोर्ट। आपका पूरा परिचय, नाम, तुम्हारा नाम क्या है? श्रीमती वंदना गोंदुरे। यहाँ क्या काम कर रही है? मेड़ बदान का काम कर रही है। कब से चालू है? आज से चालू हुआ। तो यहाँ जो मेट लोग का जो विवाद आ रहा है, कैसा क्या मामला है? कुछ लोग हैं आपत्ति उठा रहे हैं काम में। क्या आपत्ति उठा रहे हैं? मेटों के ऊपर आपत्ति उठा रहे हैं। ये जो पंकज बिसेन, यहाँ कौन सा काम चालू है? यहाँ अभी मेड़ बंधन का काम चालू है। ये किसके खेत में काम चालू है? ये गायत्री भाई बिसेन। गायत्री बिसेन माता जी का नाम है। अच्छा, यहाँ माता जी का नाम। ये काम कब से चालू हुआ है? ये आज से ही चालू हुआ है। कितने मजदूर काम कर रहे हैं? यहाँ हैं लगभग 30-40 मजदूर हैं। तो ये जो अभी वर्तमान में जो महिला मेट की भर्ती हुई वो करवा रहे हैं कि पुराने मेट करवा रहे हैं? अभी तो फिलहाल पुराना ही मेट दिख रहे हैं यहाँ पे। कौन सा मेट है अभी? यहाँ जितेंद्र दोरस है। अभी जो तुम्हारे पंचायत में विवाद चल रहा था, पुराने मेट को हटाओ नए मेट की काम कराओ, तो कैसा क्या मामला है? अब उसका देखो, कुछ लोग पुराने मेटों की आपत्ति उठा रहे हैं, कुछ अभी नई भर्ती हुई थी 2-3 लोगों की यहाँ पे, उसके पीछे भी कुछ लोग आपत्ति उठा रहे हैं। अभी वही आपत्ति चल रही है, तो वही है लोग, कोई लोगों का कहना है कि पुराने मेट हटो, कोई कहते हैं कि खेत वाला ही अपना काम करवाएगा, तब उसी का विवाद चल रहा है, पता चलेगा अब आगे क्या होता है। नहीं तो तुम तो क्या पुराने। आपका पूरा परिचय? लाल चौधरी। कहाँ रहते हो? बोरली। यहाँ कौन सा काम चालू है? मेड़ बंधन। कब से चालू है? आज से। तो इसके पहले काम चालू नहीं था? नहीं, 1 साल हो गया पूरा बंद था। क्यों बंद था? यही मेट की प्रॉब्लम की वजह से, सब मेट नहीं बोल रहे थे पुराने। अरे, पुराने मेट को नहीं बोल रहे थे? नहीं बोल रहे। पूरे गांव वाले नहीं बोल रहे थे कि 2-4 लोग नहीं बोल रहे? अब पता नहीं इसके बारे में, लेकिन ऐसी भी चर्चा चल रही थी। अभी वर्तमान में कौन सा मेट काम करवा रहे हैं? पुराने मेट काम करवा रहे। कौन सा मेट? क्या नाम है मेट का? जितेंद्र दोरस। उसका उससे कोई आपत्ति है आपको? नहीं, कोई आपत्ति नहीं। मैं जितेंद्र दोरस, ग्राम पंचायत बमनी। यहाँ पर आप कौन से पद में नियुक्त? भैया मैं 2006-2007 से मेट के पद पर कार्य कर रहा हूँ। आज कौन सा कार्यक्रम, यहाँ का कौन सा कार्य चालू है? यहाँ भी आज मेट बनाना कार्य चालू किया गया है। ये जो पुराने मेट और नए मेट के बीच में जो विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी, कैसा क्या मामला है? भैया नए मेटों का हमको नहीं पता है, पर कुछ लोगों के द्वारा पुराने मेट हटाओ, इनको 10-12 साल हो गया है, तो इनको यही कब तक करेंगे ऐसा कहा जा रहा है। वहीं लालबर्रा में 3 दिसंबर को भाजपा नेत्री मौसम हरिन खेड़े के जन्म दिवस पर हुआ विशाल निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। मुख्यालय के शासकीय महाविद्यालय के पास छात्रावास परिसर में 3 दिसंबर को भाजपा नेत्री मौसम हरिन खेड़े के जन्म दिवस पर विशाल निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जो पूरी तरह सफल रहा, जिसमें प्रमुख रूप से गौरी शंकर बिसेन, विधायक बालाघाट व अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग कल्याण विभाग डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर बालाघाट संदीप सिंह, SDM वारासिवनी रमेश भटेरे, जिला अध्यक्ष भाजपा, कार्यक्रम संयोजक मौसम हरिन खेड़े श्रीमती रेखा बिसेन, प्रधान जिला पंचायत बालाघाट गजेंद्र भारद्वाज, जिला अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा दिलीप चौरसिया, सुरजीत सिंह ठाकुर, राकेश सेवीवार, सत्यनारायण अग्रवाल, संजय खंडेलवाल, झाम सिंह नागेश्वर जिला पंचायत सदस्य, योगेश लिल्लारे मंडल अध्यक्ष, कन्हैया चौहान मंडल अध्यक्ष खमरिया, श्रीमती रूपा, वीरेंद्र बरवाने सरपंच ग्राम पंचायत पनबिहरी, सरिता मात्रे पूर्व जिला पंचायत सदस्य, किशोर पालीवाल जनपद सदस्य सहित अन्य लोग मंचासीन रहे। वहीं मंचासीन अतिथियों के द्वारा सर्वप्रथम भारत माता व भाजपा संस्थापक के छायाचित्र पर माल्यार्पण व पूजा अर्चन किया गया,
तत्पश्चात अतिथियों के द्वारा उद्भार प्रारंभ हुए वही कार्यक्रम का सफल मंच संचालन प्रसन्न अवेदिया के द्वारा किया गया। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए बालाघाट जिले के लालबर्रा से लकेश पंचेश्वर के साथ शरद धानेश्वर की रिपोर्ट। दिनांक 3 दिसंबर को शासकीय महाविद्यालय छात्रावास परिसर में एक बृहद निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। विभिन्न विभिन्न चिकित्सा के क्षेत्र के जैसे हृदय रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, दंत चिकित्सक, न्यूरोसर्जन, ENT, नेत्र रोग विशेषज्ञ, तमाम विधा के हमारे सभी चिकित्सक, कुछ काफी सारे हमारे जबलपुर से बता रहे हैं, कुछ लोकल के डॉक्टर्स भी हमारे हैं, उनके द्वारा सबके सामूहिक प्रयास से आज यहां पर एक बृहद शिविर का आयोजन किया गया है। प्रातः 10 बजे से शिविर का शुभारंभ हुआ है, अभी 2 बज रहे हैं। अभी तक की मेरी जानकारी अनुसार लगभग 800 पंजीयन हो चुके हैं। यहाँ पर जो चिन्हित मोतियाबिंद के मरीज होंगे उनको आज ही तत्काल ऑपरेशन हेतु जबलपुर रवाना कर दिया जाएगा। ऐसे बच्चे जिनके हृदय में छेद है उनके भी ऑपरेशन के लिए जो उनके आदेश जो लगता है, जो एक कागजी कार्रवाई लगती है उसको करके शिविर आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? शिविर का आयोजन का उद्देश्य मौसम दीदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा कार्य के रूप में हम लोग के द्वारा मनाने का सभी कार्यकर्ताओं द्वारा तय किया गया और ये कम समय में सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बंधुगण द्वारा यह शिविर गांव-गांव तक सभी के द्वारा एक एक जन तक जो समस्त अनेक बीमारियों से ग्रसित थे उनको स्वास्थ्य लाभ अर्जित करने के लिए भारतीय जनता के पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव में एक एक व्यक्ति तक पहुंचकर इस स्वास्थ्य शिविर में लाभ लेने की अपील करें। आज लगभग 2000 से अधिक लोग स्वास्थ्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी मंडल लालबरा की ओर से सभी का, हमारे स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, सभी हमारे प्रशासनिक अमले सहित सभी का, भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। आपका सहयोग हमेशा मिलता रहे और हम जनहित में और स्वास्थ्य में लगातार इस विषम परिस्थिति में भी काम करते हैं। भारत के 10 राज्यों में तेजी से बढ़ रहे आपके अपने वेब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाए अपने आसपास की तमाम मुख्य खबरें अपने ही मोबाइल पर, क्योंकि सुप्रीम पावर हंटर करता है मुद्दों की बात जिनसे है जनता का सीधे सरोकार। समझौता नहीं, पहल चाहिए।